हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी पॉइंट। सो इस वीडियो में मैंने जो कल का एग्ज़ाम दिया है SBI का Shift-2 का, तो उसका एनालिसिस लेके आया हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या आया था और आपके गुड अटेम्प्ट्स में कितने कितने होने चाहिए थे। तो देखिए, जो इंग्लिश सेक्शन था ये काफ़ी आसान आया था ओवरऑल। तो इसमें देखिए क्या क्या आया था, तो 5 फिलर्स आए थे। तो एक हमें क्या दिया गया था, एक एक सेंटेंस दिया गया था, उसमें एक ब्लैंक दे रखी थी। तो हमने 4 ऑप्शन में से वहाँ पे कौन सा वर्ड फिट होता है तो वो चीज़ देखनी थी, तो ये काफ़ी इजी था। उसके बाद हमारे पास आया था एक क्लोज टेस्ट था, उसमें क्या था, हमारे पास ए से लेके जी तक 7 ब्लैंक्स थी एक पैराग्राफ में। तो हमने उन ब्लैंक्स को फिल करना था अलग अलग ऑप्शन से। तो ये हमारे पास एक तरह से 12 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के ही थे, तो ये काफ़ी आसान थे। और देखिए कॉम्प्रीहेंशन था, इसमें हमारे पास 8 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 3 क्वेश्चन थे एंटोनिम और सिनोनिम्स के थे, और एक क्वेश्चन था जो ब्लैंक दी गई थी हमें कॉम्प्रीहेंशन में, और बाकी 3-4 क्वेश्चन थे जो हमें कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर पूछे गए थे। और देखिए इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि दो से तीन क्वेश्चन अगर थोड़े ट्रिकी भी थे तो आप 5 क्वेश्चन तो बड़े आराम से इसमें बना सकते थे। तो ये तो आपको 12 के 12 बनाने ही थे, ये 12 ये हो गए, और इसमें से आप मान के चलिए कि 5 आपने करने थे। और देखिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे तो 5 आए थे, तो ये काफ़ी आसान थे, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये भी आपको 5 के 5 बना के आने थे। उसके बाद देखिए फ्रेज रिप्लेसमेंट, तो इसमें हमारे पास सेंटेंस में एक फ्रेज बोल्ड किया गया था, उसको हमने देखना था कौन सी ऑप्शन के साथ हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये भी आसान थे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट था नहीं। तो देखिए जो इंग्लिश में आपका गुड अटैम्प्ट होना चाहिए था तो 25 से 30 आप अटैम्प्ट कर सकते थे, और जो इसमें मैंने अटैम्प्ट किया है वो कितना है, 30। उसके बाद देखिए जो क्वांट का सेक्शन था, इसमें जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थे ये आसान थे, 5 के 5 क्वेश्चन, और सीरीज़ के क्वेश्चन ये भी मिसिंग आए थे, तो काफ़ी आसान थे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। उसके बाद दो सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आए थे हमारे पास, तो ये वाले 20 क्वेश्चन तो आपको बनाने ही थे। और DI में भी हमारे पास बार चार्ट DI पूछी गई थी, और इसमें क्वेश्चंस नॉर्मली थे, एवरेज थे, परसेंटेज पूछी गई थी या डिफरेंस पूछा गया था, तो ये चीज़ हमें सिर्फ पूछी गई थी। तो ये वाले 25 मार्क्स तो आपको हर हाथ में लेके आने ही थे क्वांट में। और देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन, अगर आप मिसलेनियस भी अटेम्प्ट करते तो काफ़ी आसान आए हुए थे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। तो इनमें से भी आप 3 से 4 क्वेश्चन ईजिली बना सकते थे अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं। तो देखिए 25 क्वेश्चन हमारे ये वाले हो गए, और 3 से 4 अगर आप इसमें बना के आते हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 25 तो देखिए मिनिमम हो सकते थे, एवरेज स्टूडेंट भी बना सकता था 25 क्वेश्चन, क्योंकि जैसा इसका पैटर्न था तो क्वेश्चन काफ़ी आसान आए हुए थे। और मैंने जो मिसलेनियस क्वेश्चन है और सीरीज के क्वेश्चन है उनकी वीडियो भी डाली है, तो अगर आपने वो नहीं देखी वो भी जाके देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्ज़ाम में। तो देखिए जो क्वांट के आप 25 से 30 इसके भी इजीली अटैम्प्ट कर सकते थे, और जो मैंने इसमें अटैम्प्ट किया है वो कितना है, 32 अटैम्प्ट किया है मैंने। उसके बाद देखिए रीजनिंग सेक्शन था, इसमें हमारे पास 2 सीटिंग अरेंजमेंट्स आई थी, तो एक तो सर्कल पे बेस थी, 8% बैठे थे, सभी फेसिंग इनसाइड थे, और एक थी लीनियर जिसमें 8% बैठे थे वो फेसिंग नॉर्थ थे सभी के सभी, तो ये काफ़ी आसान थी। और जो हमारे पास एक आई थी पजल बॉक्स बेस, जिसमें 7 बॉक्स दिए गए थे, कोई और वेरिएबल नहीं था, तो ये भी ईजी थी। तो इनका लेवल काफ़ी आसान था, तो आप ईजिली 2 से 3 मिनट में एक एक पजल बना सकते थे। तो ये 15 क्वेश्चन आप यहाँ से इजीली ले सकते थे 15 मार्क्स। और देखिए ब्लड रिलेशन जो आया था इसमें हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप ये बना सकते थे इजीली। तो मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने ये छोड़ भी दिया तो 4 से 5 नंबर यहाँ पे कटेंगे। उसके बाद देखिए जो वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम थे, इसमें क्या था हमारे पास 3-5 वर्ड ये दिए गए थे, जैसे न्यू कार ओक, ऐसे हमारे पास 5 वर्ड दिए गए थे 3-3 लेटर के। तो इनके ऊपर हमने क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ऑपरेशन था कि जैसे फर्स्ट को सेकंड के साथ चेंज कर दिया, थर्ड को फर्स्ट के साथ चेंज कर दिया, तो उसके बाद कितने वोवल्स आएंगे, या फिर कॉन्सोनेंट को हमने +1 कर दिया, वोवल को -1 कर दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आप इजीली बना सकते थे 5 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए साइलॉग्स, ये 4 क्वेश्चन आए थे, और इनमें ओनली फ्यू वाले भी थे शायद कुछ क्वेश्चन, ये मेरे वाले सेट में लास्ट में थे बिल्कुल, तो मुझे टाइम नहीं मिला, लास्ट में 10-15 सेकंड बचे थे जब मैं लास्ट में पहुंचा, तो तब तक मैं 30 क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट कर चुका था रीजनिंग में। तो उसके बाद देखिए जो रैंकिंग बेस्ड हमारे पास एक पजल टाइप सी आई थी, तो हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ था, उसमें हमारे पास 6% दिए गए थे, तो उनको हमने वेट के बेस पर उनको अरेंज करना था, हाईएस्ट टू लोएस्ट ऐसे, तो हमें 2% का हाइट के बेस पे हमने करना था उसको, हाइट आएगा यहाँ पे हाइट, तो हमें 2% की हाइट भी दी गई थी शायद। उसके बाद हम क्वेश्चन इसके ऊपर आए थे, तो ये आसान था काफ़ी, तो इसको बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो देखिए इसमें जो 15 क्वेश्चन हमारे ये वाले हो गए, 5 क्वेश्चन ये वाले हो गए, और
अगर आपने ब्लड रिलेशन अटैम्प्ट नहीं किया तो साइलोक्स आपने ज़रूर देखा होगा एंड में, तो मान के चलो कि अगर ओनली फ्यू वाले भी आपको कंसेप्ट अगर थोड़ा भी ठीक ठाक है तो आप दो क्वेश्चन तो इजीली इसमें बना सकते थे। उसके बाद देखिए जो रैंकिंग वाला क्वेश्चन था ये तो आपको सभी बना के आने थे, तो चाहे तीन या पाँच जो भी मार्क्स आए थे इसके, पाँच मार्क्स ये वाले आए अगर, तो ये आपको बना के आने ही आने थे। तो देखिए 15, 5, 20, 25 और 2, 27, तो देखिए 27 से 30 आप इसमें इजीली बना सकते थे रीजनिंग में, और जो इसमें मेरा अटैम्प्ट रहा है वो 30 रहा। तो देखिए जो मेरा ओवरऑल टोटल अटैम्प्ट रहा है वो कितना है, 30, 32 और 30, तो कितना बन गया टोटल 92 अटैम्प्ट किए हैं मैंने इसमें। और देखिए जो मैं इसके गुड अटैम्प्ट मान के चल रहा हूँ कि जो आपको कम से कम करके आने थे तो वो कितना था, 82, 85 है। तो ये उन स्टेट्स के लिए रहेगा जहाँ पे सीट्स लास्ट टाइम से कम आई हैं या फिर वैसे ही नॉर्मली कम आती हैं, तो वहाँ पे आपको 80 से 85 तो मिनिमम करके आने ही है। जिन स्टेट्स में सीट्स ठीक हैं तो उनकी 75 to 80 टाइम्स भी अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो सही रहेगा। बट ये मैं उनको उन स्टेट को लेके चल रहा हूँ, जैसे मैं खुद पंजाब से फिल किया है मैंने एग्ज़ाम, तो यहाँ पे कट ऑफ हाई ही रहती है, तो यहाँ पे आपको 80 से 85, और कोई भी स्टेट है जहाँ पे जैसे दिल्ली वगैरह हो गया तो वहाँ पे कट ऑफ हाई जाती है, तो वहाँ पे आप 80 से 85 मान के चलिए कि इतना तो आपको कम से कम बना के आना ही था जैसा एग्ज़ाम का लेवल था। तो इस वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।